नमस्कार दोस्तों। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि वो धन कमाए, उसको आर्थिक संपन्नता मिले। तो आज मैं आपको इसके उपाय बताता हूं। हमारी कुंडली में जो फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, टेंथ हाउस होते हैं उन्हें हम कहते हैं केंद्र स्थान और उन्हें हम सुख स्थान भी कहते हैं। और जो फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस है इसे हम त्रिकोण स्थान या लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। इस 159 हाउस में जो सबसे पावरफुल हाउस है, जो सबसे पावरफुल भाव है, वो है हमारा नाइन्थ हाउस, नवम भाव। तो लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप अपने कुंडली के जो नवमेश है उसको बलि करें। जैसे जीवन रक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए हम कुंडली के लग्नेश को बलि करते हैं, वैसे आर्थिक संपन्नता के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें अपने कुंडली का जो नवमेश है उसे बलि करना है। और बलि कैसे करना है, आप उससे संबंधित रत्न पहनिए। अगर आपका मेष लगन है तो ये बनता है पुखराज। अगर वृष लगन है आप तो ये बनेगा हमारा नीलम। मिथुन लगन वालों के लिए भी ये नीलम है। अगर आपका कर्क लगन है तो पुखराज। सिंह लगन वालों के लिए मूंगा होगा और कन्या लगन वालों के लिए ये जो रत्न है ये हीरा है। ऐसी तुला लगन वालों के लिए पन्ना, वृश्चिक लगन वालों के लिए मोती, धनु लगन के लिए ये बनेगा हमारा माणिक्य, मकर लगन के लिए हो गया हमारा पन्ना, कुंभ लगन वालों के लिए ये होगा हीरा, और जो मीन लगन है उसके लिए ये होगा मूंगा। तो आप इन रत्नों को धारण करिए ताकि आपके जीवन में अच्छा आपके पास धन संचय हो और आपको अच्छा आपकी आर्थिक संबंधता आपको मिले। खुश रहिए।